नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ बाजार चले। देखो दोस्तों भाई साहब के पास 1, 2, 3 गाड़ियां टमाटर की आई और ये सारी हिमाचल की हैं। इनके पास ये हिमाचल के माल आते हैं और इन्हीं गाड़ियों में उन्हीं किसानों के, जैसे हरी मिर्ची हो गई, अचारी वाली शिमला मिर्च हो गई, ये हो गई, जो भी है इसमें सब चीज़ आती है। और आज तो इनके पास बड़ा ट्रेलर नहीं आया जो SPN टमाटो किंग के नाम से जाने जाते हैं दिल्ली में। चलिए जानते हैं आज का इनके यहाँ पर क्या बाजार चला जी, क्या क्या रेट चले, क्या क्या बोली हुई जी। सर जी नमस्कार जी। भाऊ जी आज बाहर वाली गाड़ी नहीं आई जी कोई भी मंडी में? नहीं जी कोई नहीं, बेंगलोर आपको कल बोला था, ये तो जो गाड़ी रस्ते में थी वही आई है। 2200-2300-2400 रुपये वहीं पर है। कल बड़ी जाली जो है वहीं पे 2600-2700-2750 रुपए मदनपल्ली में बिकी है। ये बड़े वाली क्रेट, बड़ी वाली क्रेट, फिर कहाँ यहाँ वारा खा जाएगा? नहीं खाएगा तो वहीं यहाँ तो 3200 रुपए की 3000 की खुलेगी जी। फिर हमने कल भी फोन किया सुबह 9:30-10 बजे, भैया क्या बाजार है गाड़ी भरवाए। हाँ जी। तो बोले भैया 2700-2700 रुपए तक बड़ी जाली यहीं पे बिकी है, 2400 रुपए बिल्टी मिलेगी आपको। अच्छा जी जी जी, 2000-2700 रुपए बिकी वहाँ पे। फिर तो समझ लो इधर तो आने का मतलब ही नहीं है जी अभी। जी जी नहीं। अच्छा जी, पर एक बात है भाऊ जी, मुकाबला तो ये भी बैंगलोर का पर रहा जी, प्योर हिमसोना है जी ये। अच्छा जी, सूखा पड़ा जी, क्या बात जी, कैसे, क्या शानदार माल जी है। ये सिलाई साइड का है जी। अच्छा जी, दारवा गांव है सिलाई से आगे। हाँ जी, 17-20 किलोमीटर आगे है। अच्छा जी, दारवा गांव का। तो आज के क्या बाजार चले जी ऐसे? बाजार अभी बोली नहीं चालू है, अभी माल उतर रहा, किसानों का माल जो है ये बिकेगा 1000-1800 की रेंज में। 1000-1800। और जो है दूसरी गाड़ियां बिकी इनके क्या रेट चले जी वैसे? ये सुंदरनगर है जी, ये भी बिक रहा जी लेके 1000-1300-1400 तक। 1000-1400 जैसा, यही सुंदरनगर ये हाइब्रिड में जी। हाँ ये हाइब्रिड। ये क्या है देखो, बरसात हो रही है। हाँ जी, वहाँ ये मिट्टी लगा माल है सारा। अच्छा, इसलिए थोड़ा इसका रेट डाउन है, नहीं तो ये भी साफ सुथरा माल आए। हाँ जी, तो ये भी 1500-1600 बिके। फिर भाऊ जी इनको तार बांस ना लगानी चाहिए सुंदर नगर? तार बांस है पर जी वहाँ क्या है, मिट्टी ऐसी है जो बरसात हो तो सारा मिट्टी टमाटर पे आ जाते हैं। जब तार बांस लगा देंगे फिर कैसे आ जाएगी जी? मिट्टी बरसात होती रहती है। अच्छा। हाँ जी, वो तोड़ते हैं तो अच्छा वो चिकनी लग जाती है। हाँ, हाथ पे लगे, चिकनी मिट्टी होती है। अच्छा जी, तो हाथ पे लगती है तो वो टमाटर पे लगेगी जैसे टूटेंगे। अच्छा, है तार बांस के? वैसे तार बांस का ही है टोटल। अच्छा। सारा तार बांस का ही है सुंदर नगर। और जो इसको धो के जाए पटाखा मार जाएगा जी? पटाखा मार जाएगा, वही बात है, और कितना धोएगा किसान। अच्छा जी, वही बात है जी, फिर मंडी लेट हो जाए, गाड़ी लेट हो जाए। अच्छा जी, पर वैसे हम कभी दोते थे ना, मैंने एक्सपेरिमेंट तो करा था जी, अब का पता नहीं जी क्या करेगा कि नहीं करेगा। चलो मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता दूं जी इसमें जी। जैसे वो जो ब्लाइट की दवाई होती है ना, जो हमारा इस समय में जैसे हमारे खेत में टमाटर बरसात हो जाती थी दोने पड़ते थे, हमको दोएंगे पटाखा मार जाएंगे, इसमें जो है ना थोड़ी सी हल्की सी वो दवाई पा दो जो खेत की वो ओद बनी होती है ना, चबच्चा बोलते हैं जिसको, उसके अंदर थोड़ी सी ब्लाइट की दवाई पा दो जिससे इसमें फफूंदी ना लगे, जो पेड़ों पे छिड़काव करते हैं जी जी। 150 ग्राम जैसे उसमें पूरे चबच्चे में डाल दी, होल ओद में डाल दी। आपका तजर्बा है, आपने हाँ जी, तजर्बा हाँ जी। किया होगा। जब उसमें दो खेत निकाल ली तो उसके बाद ये हमारे तो खराब नहीं हुए, बाकी मौसम का पता नहीं जी। दो खेत टमाटर साफ करके आ जाए, ऐसा करके आ जाए तो 100-200 रुपए और किसान का बढ़ जाएगा। हाँ जी, 200 रुपए एक्स्ट्रा, 200-300 रुपए बन जाएंगे जी इसके। अच्छा जी, अच्छा, पर ये बाकी ये पता नहीं, ये तो ठंडे आते हैं वहाँ, ठंड है हमारे यहाँ गर्मी है जी। यहाँ गर्मी है, थोड़ा मौसम में भी प्रभाव पटाखा मार देगा जी, पटाखा मार देगा। अच्छा जी, टमाटर जो है शाम तक ही रुक पाता है, ज्यादा से ज्यादा सवेरे तक। अच्छा जी, टमाटर लूज हो जाएगा, क्यों, वहाँ पे सर्दी है, यहाँ गर्मी है। अच्छा जी, ऐसे लूज हो जाएगा जी। जी जी ठीक। अच्छा, ये रुक जाएगा जी? हाँ ये रुक जाएगा, ये सारा प्योर हिमसोना है जो है। अच्छा जी, देखने को बोलिए लाट वाई लाट है किसानों के। अच्छा जी, अच्छा, जैसा माल बो उसका जैसी रेट, जैसा रेट। और जो इनका हाइब्रिड का क्या चलेगा? हाइब्रिड है ये, कोई कोई किसान लगा देता है बीच बीच में। अच्छा जी, ये देखो कितना सुंदर हाइब्रिड है ये, कितना ये तो, अच्छा है। इसने तो बेंगलोर भी फैल कर दिया जी। जी जी, ये भी यही बिकेगा 1500-1600-1700 तक बिक जाएगा ये। फिर तो ये लगा लो कि जिन किसानों ने अब की बार फूल लगाए या नाराज हो के खेती छोड़ दी जी, पछताएंगे जी वो तो। हाँ बिल्कुल जी, पर क्या करेंगे, मजबूरी थी, 2 साल हो गए उनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। जी, मैंने भी 32 साल हो गए काम करते, पर मैंने भी नहीं रेट देखा ये 2500-2700 तक जो रेट पहुँच गई। अच्छा जी, आपने भी तजर्बा होगा। हाँ, 3000 की तो खैर हमने नहीं पहुँचाई जी, इतना तक तो नहीं। 32 साल अपने को भी हो गए जी इस लाइन में। अच्छा जी, अच्छा, तो वहाँ पर भी कभी इतनी तेजी नहीं देखी होगी? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। एक खान में आई थी। हाँ जी,
और एक 2013 में भी आई थी, पर इतनी नहीं गई, वो 10 दिन 5 दिन बस ऐसे रही है। हाँ जी, वो तो जब तेजी आई थी वो तो जो अपनी आपदा आई थी ना 2013 की, जी जी, केदारनाथ में, उसके बाद आई थी। हाँ जी हाँ जी, 2018 में महाकुंभ था तब तेजी आई थी, वो 16 अप्रैल को पूरे हरियाणा पंजाब में बरसातें चल गई थी। उसके देखो अब 9 महीने मंदी रहेगी। हाँ जी, 9 महीने तक इतना 100, 150, 200, 250 इतना खर्चा आता है कि यहाँ पे लाने में मंडी में किसान का 150 खर्चा है। अब ये जो माल आ रहा है कम से कम किसान का वहाँ से प्रति करेट 150 से 160 रुपए भाड़ा होगा ये, और इनका तो है कई बार इनका तो अपना ही खर्चा ज्यादा है जी, जैसे तोड़ने का, गिल्टों में ढोने का, इधर से उधर बहुत ज्यादा खर्चा। कम से कम इनको टमाटर पैलेन में पड़ेगा 6 रुपए किलो, किसान को 6-7 रुपए, इनको पड़ेगा 10 से 11 रुपए। अच्छा जी, 300 रुपए का घर में पड़ेगा इनको, 12 रुपए किलो घर में पड़ता है, पड़ता होगा जी, पड़ता होगा जी इनको, हिमाचल वाले इनको खर्च। और इनके तो पेड़ भी थोड़े हैं ना, इतने बड़े किसान तो नहीं है। नहीं नहीं, छोटा किसान है सब, वहाँ तो 5 करेट 8 करेट 10 करेट, ज्यादा से ज्यादा 50 करेट हो जाएगी, कोई किसान होगा 50 वाला तो नहीं, बाकी तो इनकी 20 से नीचे चलेगी। बिल्कुल जी, ये नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ एक किसान की 500 आ रही 1000 आ रही। हमारे यहाँ तो लंबे खेत है, लंबे एकड़ जमीन है तो। हाँ जी हाँ जी, चलिए जी, बस अभी समझ लो मंडी में सुंदरनगर और हिमाचल ही जी, आज इधर लोकल बंद हो लिया जी, लोकल बंद हो गया। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बस अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो टमाटर नहीं है जी कहीं का। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी, धन्यवाद जी। तो जी आपने इसके तो रेट नहीं बताया जी, हरी मिर्ची के क्या रेट चल रहे जी? हरी मिर्ची है दोस्तों, हरी मिर्ची और ये किसानों की गाड़ियों में आती है, ये इसको जो है ना सब्जी मंडी में पहुंचाते हैं, ये कह रहे की मारे वहां नहीं बिकती यहाँ पर, यहाँ पर इसका ग्राहक रेट नहीं लगाते पूरा, जो भी सौदा आएगा जैसे इनको रेडी रिक्शा में लाद कर और इनको फिर सब्जी मंडी में पहुंचाएंगे, जो उनसे टमाटर वालों के अपने आड़ती है उनके पास पहुंचा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माल लेने वाले आएंगे ये सिर्फ टमाटर लेने वाले आएंगे, उनको पता नहीं होता शिमला मिर्च का और हरी मिर्ची का, ये वहीं सब्जी मंडी में बिकेंगे सौदे।